संगवारी मन जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इंडियन बबलू भैया यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। मैं आज आया हूँ पीरदा गांव में। पीरदा गांव हाँ भिम्भोरी के अंतर्गत आते, मैंने भिम्भोरी पीरदा इलाके थे और ये है जिला बेमेतराम आते। यहाँ मैं आया हूँ, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका है जो पांडवानी में गायन करते, बहुत ही अच्छा गायन करते। तो उकर नाम है शांति बाई चेलक। आप मतलब मैं दिखा देता हूँ, मैडम ने बहुत सारा अवार्ड मिले हैं, बहुत सारा सम्मान है दे। और ये मेरा वो बता देना चाहता हूँ आप मतलब कि छत्तीसगढ़ शासन से घलोक मिले हुए हैं। कहा था आप मने दे, ऊपर में लिखे गए छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण। ये देखो इस प्रकार का है, यहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। मैं थोड़ा बोलना चाहूँ कि पीछे थोड़ा दिखा देकर, पीछे कुछ लिखे हुए है देख सका था। 2015 में सम्मानित करे गए हैं गुरु घासीदास सम्मान, इसे लिखा हुए थे। आए के तो मैं मिलवाता हूँ आप मल्ल। मैडम जय जोहार, मैं एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर हूँ। जय जोहार आप मल्ल। आप मन के संक्षेप में परिचय थोड़ा से। मैं ग्राम पीरदा में रहता हूँ, मोर नाम ही शांति बाई चेलक और मैं 10-11 साल की उम्र से मतलब कार्यक्रम देवत हूँ और ये मोर मैहर परिवार है और यही मोर पूरा फैमिली भी थी। तो मैडम थोड़ा सा पांडवानी आप मन के हो जाए हल्का से, बस जिसे आप मन स्टार्ट करता। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सना ना 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 मुहान, रागी बिना बजावा तना रादा आवे भाई, रागी ना रादा आवे हरि गुण गावे मुहान, वो हरि भजन माना लगेगा मोर भाई, तब हरि भजन माना लगेगा मोर मोहना के सब हम लाजा रखोगा मोर भाई। एक संगवारी मने दे, एक सका था आप मन सुने हो। अब हम गोल बात करबो, थोड़ा बैठ जाबो और बैठ के गोल बात करबो। मैडम से पूरा परिचय पूछबो, मतलब का ये मतलब अवार्ड मिले है हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन है और भारत भ्रमण कर रहे इसे की मोर जानकारी माँ है, विदेश के भ्रमण भर बचे है और मैडम के नाम हाँ मैडम के एक प्रयास है कि पद्मश्री अवार्ड। ये देखो पद ये में पूरा डिटेल है मैडम की कि कब कब सम्मानित करे गए है। ऐसा कहा था अच्छा देख मतलब नाम प्रेषित कर दे गए है। और बात हम थोड़ा बैठ के करबो मैडम से। संगवारी मन देख सका था, मैं पांडवानी गायिका की इंटरव्यू बारे में आए हुए हूँ। मैडम खुदे बताइए अपन बारे में। मैडम आप मतलब सबसे पहली जो सम्मानित करेगी से छत्तीसगढ़ शासन ने और मतलब आप मन की उपलब्धि थोड़ा बता दो, शुरू शुरू आप मतलब कहाँ चीज़ के अवार्ड से सम्मानित करेगी। मैं पहली कार्यक्रम में कर रहा हूँ तो राजनांदगांव से धरती पुत्र रत्न सम्मान मिले हमें। जी जी जी। और बाद में जैसे नवरत्न कलाकार मोर चुने कलेक्टर द्वारा तो पूरा बेमेतरा जिला में मोरा एकलौती मतलब पांडवानी गायिका में अच्छा। दे गए हुए और वैसे तो बहुत सारे देखा तो आप मन पीछे में मोर मारे हैं हर जगह गए हो तो यहाँ से वहाँ से सब अवार्ड मिले मिले हैं और गुरु घासीदास चेतना पुरस्कार मोला अपन राज्य सरकार द्वारा मिल चुके हैं अच्छा। और मोरा विलास है 15-16 साल से मैं एक ग्रेड के कलाकार तो मैं पहले 30 साल से हूँ रेडियो से अच्छा। अब टॉप ग्रेड के भी मैं बन चुके हूँ अच्छा। तो मैं तो 15-16 साल से प्रयास कर रहा था मुला कहीं मतलब केंद्र सरकार द्वारा मिलना चाहिए पद्मश्री के लिए भी भरा तो हर साल ये साल भी मोर भरे की तैयारी हवा और शुरू से मैं भरते आवा था मोर प्रयास से और कार्यक्रम मोर तो लगातार चलते रहते अच्छा। तो मैडम आप मन पांडवानी के फील्ड जो चुने हो आप मन बचपन में महाभारत की कुछ कथा सुना तो होगा जिकर से आप मतलब कोई सी की पांडवानी फील्ड में मैं जाके महाभारत के बारे में बता सका लोगन मन मोर बाप खुद एक कलाकार रही से और एक तारा तंबूरा रही से तबला रही से उकर पास में अच्छा। और रास लीला में अपन कमर में तबला बांध के मोर बाप अच्छा, अच्छा। कलाकारी करे चिकारा रही पुराना चिकारा अच्छा, 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 अच्छा। तो मोर बाप ये सब कारिस कल्पना से सब गवाए वो आध्यात्मिक कतक भजन है मीराबाई के ब्रह्मानंद के महाभारत के बारे में भी गवाए अच्छा। और एक वो भीम से ना जाते हिलमती कन्या के साथ शादी करते उनके बारे में अच्छा। मुदंत कथ हम पिता जीवन गवाए तो मैं बचपन से लगा रही 6-7 साल की उम्र अच्छा, से 6-7 साल की उम्र से। मैडम मैं आपको दुर्योधन वाला कुछ जिक्र करता जिसे द्रौपदी हंसते थे
थोड़ा सा गायन हो जाए तो दुर्योधन वाला जो सीन है जिसमें द्रौपदी जी हंसा थे, चलिए गाइए थोड़ा सा। तो जैसे द्रौपदी राजा दुर्योधन ला न्योता दे है और अपने पूरे भाई लेके जाते इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ में, तो पानी में जाके वो गिर जाते। तब द्रौपदी कहते आखिर देखा था वो सहेली हो दासी हो ये अंधक बेटा अंधा ही रह गए, हमारे घर के भीम से ने रास्ता बतावा थे तब वो नहीं माने, आके पानी में भैसा बरोबर हो जागे। तब राजा द्रोधन ने बड़ा गुस्सा होते और गुस्सा होके एकदम अपन भूजल ऐसे हटियाते हटिया के कहते कि ये द्रौपदी एक दिन हंसी के बदला ना निकालो तो दुर्योधन कहा ना छोड़ दो करके अपन जंगल टोकते हो जगह। मैडम बहुत अच्छा बताई से मुलत लगते मैडम ना महाभारत पूरा याद है कैसे लागत है ना मैडम, पांडवानी के पांडवानी में मतलब गीत के 18 पर्व के जैसे अच्छा, महाभारत अच्छा, होते अच्छा। आदि पर्व से लेके स्वर्गारोहण पर्व हम जाते अच्छा, वो पूरा हर जगह की मुलाकात पूछे जाते बताता हूँ। और 18 दिन 11 दिन ऐसे पांडवानी होते है ना बहुत लंबा लंबा कार्यक्रम। अच्छा अच्छा मैडम इसे पूरा अगर महाभारत हमारा जानना है तो कतका दिन लग सकते हैं, मतलब पूरा पूरा आप जैसे गाओ मान लो शुरू से आखिरी तक के। शुरू से आखिरी तक के जैसे महाभारत गाना है तो एक प्रथा है कि जैसे भागवत में 7 दिन के कहे जाते अच्छा। तो महाभारत के मतलब है 18 दिन के होना, 18 दिन तक 18 दिन तक। अच्छा अच्छा तो मैडम जैसे आप मतलब कोई व्यक्तिगत अगर बुलाना चाहते तो व्यक्तिगत में आप मन उकर घर जाए की प्रक्रिया का है, काका से अपॉइंटमेंट ले लगते का है, मतलब जिसे कोई ले जाना चाहते मान लो आजकल का होते जिसे कोई कार्यक्रम हो गया अच्छा या फिर कोई आजकल तो मृत्यु में घर लोग गवा देते आत्मा शांति बस हाँ। तो उसका प्रक्रिया थोड़ा बताओ काका से मिले लेते। अब ऐसे रहते अब जैसे मृत्यु है तो वो में करवे तो जैसे लड़ाई उठी सवाई कौरव पांडव के हाँ। तो शांति पर्व से भगवान श्री कृष्ण सबला समझाइस ना अच्छा अच्छा तो वही समझौता लेके एक महाभारत के ऐसे बहुत से माध्यम है कि हर चीज में जोड़े जा सकते हैं ना अच्छा अच्छा। और चाहे मृत्यु हो चाहे हाँ। जन्म हो चाहे शादी हो हाँ। ये में पूरा कथा है जहाँ अच्छा। के जैसे निकली ना वो टाइप के अपन कथा निकाल हाँ। और वो लोग मैच कर ले साथ में जो का है। मैडम एक जन पांडवानी गायिका है तेल में अपन खुद चाचा के में मतलब हमारे बुलाये भाई मन तेरा नाम से पूछे हो की ये आजकल चलन में आ गए हाँ, हाँ। आप मन से जिसे आप मतलब बुलाना है बुक करना है मतलब गर्भ तो काकर से मिले लगते हाँ, वो तो हम हाँ। मैनेजर तो रखे हुए नहीं है पंडवानी में कोई मैनेजर नहीं रहा है पंडवानी अच्छा। के मतलब है कि खुद अपन कार्य करना अच्छा। और इनमें डायरेक्टर एक्टर नहीं रहा अच्छा। भाई जब हम पावरफुल आदमी हैं हाँ। और खुद ही अपन कलाकार हैं तो फिर वो हमला दूसरा रखे की जरूरत अच्छा। नहीं पड़ेगी मतलब डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट भिम्भोरी गाँव में मिल सकते हैं बातचीत कर सकते हैं या तो फिर नंबर भी है तो नंबर से भी जैसे 98936 39270 मोर नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर है मैडम ये मोर हाँ की कॉलिंग नंबर है कि दोनों नंबर दोनों ही दोनों ही। देखो संगवारी माने नंबर आप नोट कर लो मैडम आप मन के खुशहाली में भलो मतलब पंडवानी गा सकते हो जिसे का आपको मृत्यु हो गई दुर्घटना हो गई आपन कराना चाहा था तो करा सका था है ना मैडम नंबर दे दे नंबर एक गाँव मैडम 98936 39270 शांति बाई चेला। अच्छा पंडवानी में आप जो लाइन है बहुत अच्छा लगते है जिसे महाभारत की ही वो स्टोरी थे ओला तो थोड़ा गुनगुना दो आप हल्का से। जैसे महाभारत में सबसे ज्यादा आज के दिन में बेटी वाला सिस्टम है जैसे अच्छा। बेटी बहुत कहा जाता है प्रथा से कि लड़की हुआ थे करके कि ऊपर सम्मान नहीं करे हर हाँ। आदमी है ना हाँ। ये तो चारों युग में आए हैं तो पुरुष प्रधान में झलते आगे लेकिन आज के बेटी है पढ़े लिखे हाँ। तो ये झेलना नहीं चाहते हाँ। हम भी बताना चाहते हैं कि जैसे बेटी है तो भाई बेटी तो दोनों पक्ष के कुल के लाज रखते हाँ। हो मैके के ससुरे के तो फिर बेटी अपना तारीफ कावर करे जा तो हमारे महाभारत के अंतर्गत ना एक अम्बा भीषम जैसे काशी नरेश के 3 कन्या होते अम्बा अम्बालिका अम्बिका और तीनों कन्या स्वयंवर होते सीधे भीषम अपन चित्रांगद विचित्र वीर भाई धर के जाते वो सीधे उठा के ले आते दो भाई के लिए दो जन शादी करते एक जन अम्बा बाकी रहते थे बड़े वाले तो मोर दूल्हा राजा कौन है तही भी हाले हुई तो बोलते कि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो आप ब्रह्मचारी फिर मतलब शादी करके काबर लाए हो तो फिर वो बोलते कि मैं हाँ कोई सालवन नरेश राजा ला चाहते हैं ओकर पास पहुंचा थे तो कहते कोई राजा तो लुटाक लेंगे तो मैं का करूँ तोला तो वो सोचते कि मैं माथा रगड़ रगड़ के रोऊं का कि तेमल बिहाले या भीषम के पास जाऊं या पिताजी ला भी याद करते कि कोई सौदक तरह लेके स्वयंवर में मोर बाप बाजार की तरह लेके मोला खड़ा कर दीज तो मैं पिता के पास जाऊं फिर वो मन में सोचते कि नहीं कि मोर शत्रु भीषम हर हवा
तो वही जगह रोते भी कि नदी नाला में जाके डूब के मर जाऊ का, आग लगा के मर जाऊ का, या तो मोला जीना चाहिए। अरे आज घलो बेटी ला दहेज प्रथा में जला दिए जाते, वरुण हत्या बेटी जन्म लेवाते, ऐसे कहते बच्चा नहीं देवा तो कर माओ बच्चा ला मार दिए जाते। तो मोला मरना चाहिए कि जीना चाहिए? आज भी मतलब ऐसे प्रताड़ित करते लोग तो नहीं, मोला जीना है तो अपन अंदर के जो औरत है वो बाहर करके प्रण करते कि मैं तो इन मारू भी सम। अच्छा। तो बात ऐसे है कि में आज जो कल्ला जुड़े जा सकते और ये में जैसे कुष्ठ उन्मूलन के निकली से, प्रौढ़ शिक्षा के निकली से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी सब निकली से, और अभी ये जो वर्तमान में चला थे कोरोना काल के, वो सब में हमन पंडवानी में जोर जोर के पूरा प्रचार करा था। हमला जो भी काम मिला थे शासन प्रशासन से वो सब काम करा था। दिल्ली तक में हम करे हैं और 26 बच्चे लो में दिल्ली के कॉलेज वाले फाइनल वाले बच्चे मतलब सबके हाथ में से तमूरा। अच्छा। और 10 लड़की और 10 लड़का के साथ में मतलब मैं पंडवानी से कहा हूँ एनर्जी में। और मोला कार्यक्रम देते लगभग 45 साल के हो गए, बचपन से मैं देव था और अच्छा रफ्तार मोर कार्यक्रम को 11 साल में पकड़े हुए। मैडम एक शब्द बोले जाते हैं बीच में हाउ जी, ये जरूरी थे का पंडवानी में? ये तो पंडवानी की एकदम जान है। अच्छा हाउ जी बढ़िया वाह वाह इसे कहना मतलब हेड पकड़ना बोला कि ये बात ऐसे हो इस रागी तो हाउ जी ये बहुत जरूरी है। तो हमारे रागी पूछे थे बोला। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो वो कहा था हाँ सही है ते बोला था ते, अच्छा, मतलब ऐसे माने हामी भरते हो? हामी भरते हुआ। अच्छा और यहाँ के छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ की जो आम पब्लिक है पंडवानी तो अपर जन सुनते मतलब आप मन का कहना चाहता था मैसेज कुछ जैसे के ये तो इतिहास है। अच्छा। और इतिहास कभी पुराना हो ही नहीं सके। सतयुग द्वापर त्रेता वर्तमान चला थे कलयुग बार बार ये युग आगे चले गए लेकिन जो ऐतिहासिक चीज है वो पुराना नहीं हो सके। खैर अभी चला थे जैसे कि लड़की लड़का का नाच ये बहुत फिल्म में चला थे सवाए बाय कार्यक्रम आदमी उलझे लेकिन घूम फिर के वो जगह में जाए पड़ी आदमी ला है कि नहीं जहाँ से शुरू वहां होना है तो शुरू के जगह है कि मतलब इतिहास और इतिहास जो बन गोला कोई नहीं मिटा सके। मतलब महाभारत और वहाँ बहुत प्राचीन कथा हरे जिला हमन भी सुना था हमारे आने वाला पीढ़ी गलो सुनी और छत्तीसगढ़ में अगर पैदा हुए तो पंडवानी रूप में जरूर सुने मिली है ना। और पंडवानी के महाभारत के मतलब ऐसे है। अच्छा। कि आज के हमारे महाभारत था वो तो द्वापर युग की बात रही है। अच्छा। आज के हमारे महाभारत चलते द्वापर युग से कम है का भाई ला भाई तो यू मारत है और महतारी और बेटा के झगड़ा हुआ थे है ना। पड़ोसी है तेना तो घर तक बात है ठीक है उन्हें पड़ोसी सुन ली तो सोपनी बन के तो घर में आग जुझावा थे। तो आज के पंडवानी ला और कल के पंडवानी ला जोड़े जा सकते और मैं जिसे कहता हूँ ना तो मैं कल कल के बात नहीं ला द्वापर युग के बात तो एक ले लिया धारा लेकिन आज की बात का मैं बिल्कुल वहाँ रख हम और के बीच बीच में मैं अपन शामिल करके कार्यक्रम देती हूँ। मैडम हम पंडवानी के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका है जो पूरा भारत भर में पंडवानी गा चुके हैं। तो मैडम से लास्ट में कहूँ एक आठ अनु थोड़ा गुनगुना दे जिमें मैं हाउ जी कहूँ और कदे मेरे कहना है तिलाप में देख लू अगर गलती हुई क्षमा कर दू तो लो मैडम एक थोड़ा सा और एक अलावा मैं यू बताना चाहता हूँ थोड़ा से कि जैसे मैं पंडवानी तो गाता हूँ पंडवानी के साथ साथ आध्यात्मिक भजन है। अच्छा, अच्छा। और गुरु घासीदास एक सतनामी समाज के जो बाबा जी है ओकर बारे में मोर 200-300 रचना है। अच्छा। और उनमें भी मैं साफ जैसे की करता हूँ जैसे भागवत करे जाते बैठ के तमूरा नहीं चाहिए तो बैठ के भी करता हूँ पंथी चौका भी करता हूँ चौका भजन भी करता हूँ। बहुत बढ़िया मैडम चौका आरती पाठ जिक्र करे तो वो कबीर साहब ले जब मानते हो तो चौका कराते का कबीर साहब के चौका चलते और सतनामी लोग है ना सतनामी जाती है। मतलब ये है कि दोनों चौका सेम रहते का कहा था सेम वो तो कबीर साहब के बारे में बताई। अच्छा, अच्छा। गुरु घासीदास जी अच्छा, बारे में थोड़ा सा अलग रहते मतलब हा? लेकिन चौका चौका मदिरा बस सब जान मदिरा सब एक सिर्फ ना वो का करीच ओकर बारे में बताई है का करीच कहाँ जन्म ली चकर बारे में बताई छाता पहाड़ के बारे में। हाँ और चौका पूजा है तो एक ही हरे है कि नहीं। अब जैसे महात्मा गांधी के सिद्धांत एक से है सत्य बोलना है और मतलब मांसाहारी नहीं होना ये सब सादगी। तो गुरु घासीदास बाबा उनके भी एक विचार ऐसे है कि मतलब सादगी जीवन जीना है और उसमें मतलब दारू मोहा ये सब नहीं चलना है भ्रष्टाचारी काम में नहीं चलना है तलवारबाजी नहीं करना है ये
सब हमर बाबा जी के सिद्धांत है, तो ही लाइक कहानी भी बताया जाती है, उन्हीं गाना के रूप से गा जाती है। हाँ मैडम वही मैं बोला था, हाउ जी बोलना है कि थोड़ा सा चलो हो जाए पंडवानी। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुनती के लाला कैसे चला था वह भैया, भूजल मरोरथ भीमा जावा था वह भैया, कुनती के लाला भीमा चलेगा भाई, कुनती के लाला भीमा चलेगा ए रागी। हाँ जी ऐसे चलो ट्रायल करें ना, मैं कोशिश की से कवर की पांडवाली तो मैं जाना नहीं है ना, मतलब जानता हूँ लेकिन एक कदे मेरा हाउ जी बोलना है चला नहीं जाना। बोले मतलब ये एक पंडवानी तो भैया मैं बचपन से सुना जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ माटी में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ के कल्चर ला कैसे नहीं जानू है नहीं। तो ये मेरे बहुत अच्छा बोर्ड बात हुई से मैडम, अपना समय निकाल के हमारा समय दी से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम के तरफ से और मोर तरफ से जम्मू झल्ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़।